चौथे चरण का मतदान की शुरुआत हो चुकी है। लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा जो है किस तरीके से चल रहे हैं वो आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में आपको सीधे पटना की तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना साहिब गुरुद्वारे पहुंचे और ये सीधी तस्वीर आप देखिए, और देखिए किस तरह से उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर लंगर छका। दरअसल ये शब्द इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लंगर दिया जाता है नहीं कहते हैं, इसे छका जाता है कहते हैं। पटना साहिब गुरुद्वारा जहां पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं जिन्हें भक्ति भाव के साथ लंगर जो है वो परोसा जाता है, और कुछ भूमिका अपनी इसी तरह से खास तौर पर निभाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आ रहे हैं। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत का हिस्सा है, भले ही लोकसभा चुनाव है, भले ही सियासी माहौल गरमाया हुआ है, काफी व्यस्तम कार्यक्रम है, लेकिन इस बीच देखिए खुद अपने हाथों से रोटियां बनाते हुए, रोटियां बेलते हुए अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। हालांकि वक्त उनके पास बेहद कम रहता है क्योंकि जिस तरह से लगातार रोड शो है, सियासी तौर पर बेहद सक्रिय यहां पर उन्हें इस वक्त रहना भी पड़ रहा है, जनता से सीधा संवाद भी वो इस बीच करते आ रहे हैं। और इस वक्त पटना साहिब गुरुद्वारा जिसकी मान्यता है न सिर्फ पूरे देश भर में बल्कि विदेशों से भी यहां पर श्रद्धालु आते हैं, यहां पर आकर अरदास करते हैं, यहां आकर अपने हाथों से लंगर छका जाता है, और कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी तरह से इसी तस्वीर के साथ नजर आए। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए बेहद खास तस्वीर हो जाती है। जैसा सबीना ने कहा कि शायद इससे पहले आपने किसी प्रधानमंत्री को इस तरीके से नहीं देखा होगा, रोटियां बेलते हुए, लोगों को खाना परोसते हुए, यानी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचे, क्योंकि सिख समुदाय की अगर आप बात करेंगे तो लंगर जो परोसा जाता है उसे बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है, लोग दूर दूर से जो है वहां पर पहुंचते हैं। और ये पटना साहिब की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, चंद्रमोहन मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए। चंद्रमोहन, शायद इससे पहले किसी प्रधानमंत्री की तस्वीर हमने इस तरीके की नहीं देखी होंगी, रोटी बेलते हुए, खाना बनाते हुए, लोगों को लंगर परोसते हुए। बिल्कुल, देखिए ऐसी तस्वीरें मैंने भी कभी किसी प्रधानमंत्री का नहीं देखा है। और सबसे महत्वपूर्ण शब्द होता है सिख में, जब आप गुरुद्वारे में प्रवेश करते हैं तो सेवादार शब्द। सेवादार शब्द का मतलब होता है कि जो भी वहां पर पहुंचता है वो सेवा करता है, चाहे वो खाना बनाए, वहां बर्तन धोए या फिर लोगों को खाना खिलाए। और उसी सेवादार के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना साहिब गुरुद्वारा में नजर आए। जब वो वहां पर पहुंचे तो पहले उन्होंने वहां पर दर्शन किया, पूजन किया, और उसके बाद फिर सेवा में लग गए, सेवादार के रूप में आ गए, और उन्होंने वहां पर रोटियां पकाई, रोटियां बेली, लोगों को खाना खिलाया, और तब वहां से निकले। तो साफ तौर पर दिखा रहा है, और एक बड़ा संदेश भी है, एक बड़ा संदेश भी, क्या इसे चंद्रमोहन माना जाए, हर धर्म हर जाति के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये आस्था है वो इस काफी व्यस्तम सियासी माहौल में भी नजर आती है। अयोध्या जाते हैं, भले ही रोड शो करना है लेकिन उससे पहले रामलला के दर्शन होते हैं, वाराणसी की तरफ रुख करते हैं तो काशी विश्वनाथ में दर्शन जरूर करते हैं, और पटना में भी आए, भव्य तस्वीर यहाँ से रोड शो की भी देखने को मिली है। इस बीच ये वाकई महत्वपूर्ण तस्वीर यहाँ पर अनुपमा हो जाती है जो हमें चंद्रमोहन भी बता रहे हैं। चंद्रमोहन, बिल्कुल देखिए, और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि अभी से मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया सेवादार शब्द जो होता है ना वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे तो उन्होंने वहां पर सेवा की। और प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो उनका सम्मान जरूर करते हैं, और जब वो अपने धर्म में आते हैं, चाहे आपने अयोध्या का जिक्र किया, जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर पूजा की और उसके बाद रोड शो किया। साफ तौर पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ वहाँ पर दिखाई दी। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पटना के आर्य कुमार रोड से रोड शो शुरू उन्होंने किया था तो दोनों तरफ सड़क के भारी संख्या में लोग मौजूद थे। यहाँ तक कि दिवाली जैसा नज़ारा कल पटना में नजर आया, जब लोग अपने घरों को लाइटों से सजा कर रखे थे, और प्रधानमंत्री का जैसे जैसे काफिला आगे गुजर रहा था लोगों की हुजूम बढ़ती जा रही थी और सड़कों पर भारी संख्या में लोग दिखाई दिए। और आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन में ठहरे थे और वहां से पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे, जहां गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु माने जाते हैं और बहुत बड़ा भव्य गुरुद्वारा है यहां पर, जहां से न सिर्फ पटना और इंडिया से लोग आते हैं बल्कि विदेशों से लोग यहां पर आते हैं। और इससे पहले जब गुरु पर्व यहां पर मनाया जा रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना के गांधी मैदान में पहुंचे थे जहां पर लोगों को संबोधित किया था, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हैं वहां पर, जहां पर वो सेवादार के तौर पर
पटना साहिब गुरुद्वारा में नजर आए हैं। आपके पास लौट रही हूँ, मैं आपके पास लौट रही हूँ। एक बार दर्शकों को फिर से मैं ये तस्वीरें दिखाना चाह रही हूँ, बेहद खास ये तस्वीरें हो जाती है। चौथे चरण का मतदान आज हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहुंचे पटना। वहां देखिए किस तरीके से रोटियां बेलते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि देश के सबसे बड़े पद पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और किस तरीके से वो जो है वहां पर लोगों को लंगर परोस रखे हैं। और सबसे खास बात देखिए, यहां पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकलते हैं, जो लोग वहां पर मौजूद है, ये हमेशा से पीएम का रवैया रहा है। देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से अभिवादन उनका स्वीकार करें, बच्चों के साथ खेलते हुए भी वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी नजर आ, कतारें जो है वह अच्छी खासी लगी हुई थी। देखिए किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी को तोहफे में जो है गुरु गोविंद सिंह की तस्वीर दी गई, और उन्होंने जो है उसे प्यार से बहुत एक्सेप्ट भी किया। वहां छोटे छोटे बच्चे मौजूद थे पीएम के साथ एक सेल्फी खिंचवाने के लिए, वहां भी पीएम ने जो है इस तरीके की तस्वीर देखी हमने। चंद्रमोहन मेरे सहयोगी लगातार बने हुए, चंद्रमोहन, कल ही लालू प्रसाद यादव ये कह रहे थे कि अगर नरेंद्र मोदी गली में आकर नुक्कड़ नाटक भी कर ले, रोड शो भी कर ले, तो भी कोई जो है बिहार में फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अब तो ये बात साफ तौर पर क्लियर है कि इस तस्वीर से जो है बिहार से लेकर दिल्ली तक एक मैसेज जरूर जाएगा। बिल्कुल, देखिए लालू यादव का सियासी बयानबाजी जरूर हो सकता है कि गलियों में वो रोड शो कर रहे थे, गलियों में लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन जिस तरह की तस्वीर कल शाम में पटना के सड़कों पर नजर आई, वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकप्रियता और उनका एक दीदार कहा जाए करने के लिए लोग एक झलक पाने के लिए सड़कों पर उमड़े हुए थे। भारी संख्या में लोग पटना की सड़कों पर नजर आए, और जब प्रधानमंत्री राजभवन लौट गए उसके बाद भी लोग पटना के गांधी मैदान से घरों तक लौटने में काफ़ी लोगों को मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे थे उस समय इतनी भीड़ हो गई थी कि पुलिस को कंट्रोल करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और आज जो ये तस्वीर सामने आई है जहाँ पर कोई सेल्फी लेते हुए नजर आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पटना साहिब गुरुद्वारा में, तो कभी वो लोगों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कभी सेवादार के भूमिका में नजर आ रहे हैं, ये साफ तौर पर दिखा रहा है। और जिस तरह की कतारें पटना साहिब गुरुद्वारा में दिख रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक झलक पाने के लिए, ये साफ तौर पर दिखा रहा था कि लोकप्रियता जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और आपके पास चंद्रमोहन एक बार फिर से ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवादार की भूमिका में नजर आ रहे हैं। फिर से उनकी वही शख्सियत, उनका वही व्यक्तित्व एक बार फिर इन तस्वीरों के जरिए सामने आ रहा है, क्योंकि गुरुद्वारा जब कहते हैं यहाँ पर कोई भी भक्त पहुंचता है आस्था से भरी भावना को लेकर, तो वो सेवादार बन जाता है। लेकिन इस सेवादार में अपनी भूमिका निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं, और खासतौर से जब कोई सर्वोच्च पद पर आसीन हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए इस तस्वीरों के साथ आप ये भी समझिए, जब उन्होंने देश की कमान संभाली थी तब भी वो ये कह रहे थे, तब भी उन्होंने खुले तौर पर बुलंद आवाज में ये कहा था कि मैं जनता का प्रधान बनकर नहीं आया हूं, मैं कोई राजा नहीं हूं, बल्कि मैं सेवक हूं। और आज उसी सेवादार की भूमिका में वो नजर आए, कईयों को लंगर जो है वो छकाते नजर आए। और ये जो तस्वीर भी है वो ये बताती है कि किस तरह से अभिनंदन और अभिवादन करना, और साथ ही उन्हें स्वीकार करना, अभिवंदन देना, उन्हें स्वीकार करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत का सबसे खास हिस्सा रहा है। लेकिन इसे महज तस्वीर न देखकर चंद्रमोहन कहा जा सकता है एक महासंदेश है। पटना साहिब गुरुद्वारे से आज इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माथा टेक कर सेवादार की भूमिका निभाकर महासंदेश दिया है देश को। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, जिस मंदिर में भी जाते हैं, वहां से भी एक संदेश होता है। और आज जब वो पटना साहिब गुरुद्वारा में पहुंचे और जिस तरह से उन्होंने माथा टेक कर वहां पर आशीर्वाद लिया, ये भी कहीं ना कहीं संदेश के तौर पर था। लेकिन सबसे बड़ा संदेश ये है कि कोई देश का प्रधानमंत्री जो सबसे बड़े ओहदे पर मौजूद हो और एक गुरुद्वारा में पहुंचकर अगर वो लोगों के लंगर छकने के लिए जो वहां पर सामान तैयार किए जा रहे हों और उसमें वो सेवादार की भूमिका में नजर आ रहे हों, तो ये सबसे बड़ा संदेश माना जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री आज जब वहां पर पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे, उसके बाद वहां पर मत्था टेकने के बाद वो सेवादार के तौर पर वहां पर नजर आए और लंगर छकने के लिए जो सामान तैयार किए जा रहे थे, जो खाने पीने के सामान तैयार किए जा रहे थे, उसमें उन्होंने सेवा दी है, जो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि न सिर्फ एक बिहार पटना के लोगों के लिए संदेश है, बल्कि ये देश और दुनिया के लिए भी बहुत बड़ा संदेश है। क्योंकि ये पटना साहिब गुरुद्वारा जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पर आता है और ये विश्व के नक्शे पर भी आता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ जाना और इस तरह से सेवा करना
साफ तौर पर दिखा रहा है कि ये लोगों के लिए बहुत बड़ा संदेश है। और न सिर्फ गुरुद्वारा बल्कि प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा जहां भी जाते हैं, जिस मंदिर में जाते हैं, वहां से कोई ना कोई बड़ा संदेश वो लोगों को देते हैं। और आज चाहे वो अभी राजनीति का वक्त है, देश में चुनाव का माहौल चल रहा है, हर जगह उनको चुनाव प्रचार के लिए जाना है, लेकिन इस बीच एक वक्त निकालना जब गुरुद्वारा में पहुंचकर और सेवा के तौर पर लोगों के बीच में रहना, तो चंद्रमोहन यही तो खासियत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। मैं आपसे समझूंगी भी कि आखिर देखिए लोकसभा चुनावों के बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके से पटना साहिब पहुंचते हैं तो आखिर उसका जो है चुनाव पर क्या असर पड़ता है। मैं लौटूंगी चंद्रमोहन आपके पास, लेकिन ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे पटना साहिब, वहां उन्होंने जो है किस तरीके से लोगों को लंगर परोसा, जो लोग वहां पर मौजूद थे उनके साथ सेल्फी खिंचवाई, उनके साथ मुलाकात की, और इन सब के बीच में पटना साहिब गुरुद्वारे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबीना पहुंचे, अलग सी तस्वीर है। शायद देश का कोई भी प्रधानमंत्री पहले जो है वो इस तरीके से पटना साहिब में पहुंचकर सेवा नहीं की होगी। और एक बहुत छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होते हैं, महाकवरेज आगे भी जारी है। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। यह चौथे चरण का मतदान चल रहा है, 7 बजे शुरू हो चुका है मतदान चौथे चरण का, यानी 96 सीटों का। 284 सीटों पर पहले तीन चरण में मतदान हो चुका, 96 पर आज हो जाएगा, कुल मिलाकर आज के बाद हो जाएंगी 380 सीटें, फिर बचेंगे बस तीन चरण, और तीन चरण के बाद 4 जून को नतीजे। लेकिन आज 13 मई 2024 को चौथे चरण का बिल्कुल मिड पॉइंट पे पहुंचा हुआ है चुनाव। 13 मई की तारीख याद रखिए पंकज, 20 साल पहले 13 मई 2004 को ही नतीजे आए थे, पहली बार वो ईवीएम के नतीजे थे, पहली बार ईवीएम के नतीजे थे, और सरकार को एक झटका लगा था। बिल्कुल, और इस बार 13 मई को चौथे चरण का मतदान हो रहा है, 4 जून को फैसला होगा। इस बीच आपको बड़ी खबर एक और बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी दौरा है, आज उनका वहां रोड शो होने वाला है, भव्य तैयारियां हुई है, मेगा रोड शो प्रधानमंत्री का है, और कल सुबह 11:40 पर प्रधानमंत्री वाराणसी में अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, और इस मेगा शो पर न्यूज एटीन इंडिया की सबसे बड़ी कवरेज ग्राउंड से होगी, आपको दिखाएंगे पल पल की खबर वहां से। जी, और ग्राउंड पर हमारे साथी अभी भी मौजूद हैं, वो देखिए कन्नौज में अरुण सिंह दिख रहे हैं मुझे सुब्रत पाठक के साथ। शासन ने कोई भी कभी भी कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, कोई किसी को रोक नहीं सकता, किसी को टोक नहीं सकता। नहीं, इस प्रदेश में तो ये होता था कि 25-50 हज़ार रुपये देकर भी किसी की हत्याएं हो जाती थी, और आज जानता है कि हम अगर किसी की हत्या करके आएंगे तो हम भी 2 दिन बचने वाले नहीं। तो ये देखो बहुत कुछ है। अरुण वहां मौजूद कन्नौज में, वहां सुब्रत पाठक को इस बार चुनौती दे रहे हैं खुद अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। पिछली बार डिंपल यादव को सुब्रत पाठक ने हराया था कन्नौज से ही। बिल्कुल, और इस बार मुकाबला उनका अखिलेश यादव से है, सुप्रीमो है वो समाजवादी। बहरहाल आज की खबर यह है कि लाइनें आज अच्छी खासी सुबह से दिख रही हैं, जगह जगह दिख रही हैं। बेगूसराय में मौजूद है चंद्रमोहन, वो देखिए वहां पर चंद्रमोहन लाइन लग गई है वहां पर काफी। बिल्कुल, सीधी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर चकिया इलाके में एक स्कूल में देखिए किस तरह से तीन कतारें लगी हुई है और तीनों लंबी लंबी है, बीच में महिलाएं खड़ी हैं तो दूसरी तरफ जो है वो पुरुष खड़े हैं, और फिर अगर दूसरे तरफ आप जाएंगे तो एक तरफ देखिए किस तरह जगनमोहन रेड्डी YS जगनमोहन रेड्डी कड़पा में वोट देने पहुंचे हैं, कड़पा की लोकसभा सीट, और वहां पर तो विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं साथ में। बिल्कुल, तो ये बेहद महत्वपूर्ण जगह है, और यहाँ पर इस वक्त देख रहे हैं सीएम जगनमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के सीएम पहुंचे हैं अपना मत का प्रयोग करने, और नेता सबसे पहले पहुंचते हैं ये चुनावों में हम देखते हैं, और ये कहीं ना कहीं चूंकि जनता की नुमाइंदगी करते हैं तो ऐसे में वो एक मिसाल भी रखते हैं कि भैया हम वोट करने सुबह सुबह आए, आप भी बढ़ चढ़ कर वोटिंग में हिस्सा लें। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है अधीर रंजन चौधरी, कुछ कह रहे जरा सुन लेते अगर हिंदी में बात कर रहे। सबके बड़ो अधीर रंजन चौधरी का भी आज चुनाव है, जी किशन रेड्डी का भी चुनाव है। देखिए तो चौथे चरण का मतदान लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच में लोकसभा चुनावों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं पटना, और पटना साहिब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सेवादार के रूप में वहां पर सेवा करते हुए नजर आए। सिख समुदाय में खास तौर पर अगर सेवा की बात की जाए, अगर आप पहुंचते हैं गुरुद्वारे, इस तरीके से लोगों को लंगर परोसते हैं, तो उसे सेवा के रूप में कहा जाता है। और ये तस्वीरें आपको पटना साहिब पे दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और वहां पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की, यहां तक कि पीएम मोदी ने रोटियां भी बनाई। तो पटना साहिब गुरुद्वारा जो कि सिखों के लिए सबसे पुण्य क्षेत्र है, क्योंकि यहां सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है और गुरुद्वारे में हजारों श्रद्धालुओं को रोजाना लंगर छका जाता है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे, ना सिर्फ माथा टेका बल्कि देखिए किस तरह से वो सेवादार बन गया। आज देश का प्रधानमंत्री सेवादार बन गया ताकि अपनी भूमिका निभा सके, ताकि आस्था से भरी इस थाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ परोस सके। और यही तस्वीर इस वक्त पटना साहिब गुरुद्वारे से आपके सामने आ रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तित्व, उनकी शख्सियत का बहुत बड़ा उदाहरण एक बार फिर बनकर सामने आया।